चलिए हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज. मतलब जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग, मतलब समीर एक कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे और समीर दो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, उसकी आपको लिस्ट बनानी है. कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू हैड अ फ्रेंड विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस. मतलब क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपसे बिल्कुल अलग हो, उसके बारे में आप स्टोरी लिखिए. इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन्स एंड कल्चर बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब बोला है कास्ट और रिलीजन को छोड़ने के बाद भी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस थे. मतलब कास्ट और रिलीजन तो अलग था ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अंतर थे, बहुत सारी डिफरेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल एंड समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. मतलब जो फर्स्ट वाला था वो स्कूल जाता था और सेकेंड वाला न्यूज़पेपर सेल करता था, बेचता था. डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर दो Did not attend school. Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and other do not? मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर वाला समीर था, समीर दो, वो स्कूल नहीं जाता था. तो वो क्यों स्कूल नहीं जाता था? क्या उसके लिए अगर न्यूज़पेपर बेचने के अलावा स्कूल जाना पॉसिबल था कि नहीं था? ऐसा क्यों लाइफ में होता है कि मतलब कुछ बच्चों को स्कूल जाने के राइट्स मिलते हैं और कुछ बच्चे लोग नहीं जा पाते हैं? देखिए, इसमें ये रीज़न हो सकता है कि जो समीर दो था उसको न्यूज़पेपर सेल करने से पैसा मिलता था, उससे जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, खाना वगैरह, रहने का किराया वगैरह दे सके. वो अगर वो स्कूल जाता तो वो न्यूज़पेपर सेल नहीं कर पाता. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. उसको स्कूल जाने के चांसेस नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लुक हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट एंड वियर एंड समटाइम्स नॉट अ प्लेस टू लिव. मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पुअर होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो खाने तक के लिए कुछ मतलब खरीद सकें या पहनने के लिए कुछ खरीद सकें, और ना ही रहने के लिए उनके पास कोई जगह होती है. दिस डिफरेंस इज द सेम एज द वन वी हैव सीन. यही चीज हमने देखा था कि जो एक पर्सन था जो समीर एक था वो स्कूल जा सकता था, उसके पास स्कूल जाने के पैसे थे, और दूसरे के पास बेचारे के पास पैसे नहीं थे. वो न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा कमाता था उसी से अपना खाने वगैरह की नीड फुलफिल कर पाता था. फिर देखिए अर्लियर, हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. यहाँ पे हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की बात करें. इनइक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा अधिकार नहीं मिलता है. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सभी पर्सन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, इक्वल चीज़ें नहीं मिलती, इक्वल चांस नहीं मिलता है, या रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं जो अदर पर्सन को मिलते हैं. जैसे अभी हमने देखा समीर एक के पास कपड़ा भी था, रहने की जगह भी थी, स्कूल जाने के पैसे भी थे, लेकिन दूसरे वाले के पास बेचारा न्यूज़पेपर बेचता था, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. तो ये होती है इनइक्वालिटी. द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम तो है ही है, जो हम भेदभाव करते हैं वो तो एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बटी हुई है. जिस हिसाब से लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे जो मिट्टी का काम करता है वो अलग जगह रहता है, जो सोने का काम करता है वो अलग रहता है, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर वगैरह बनाता है, वो अलग जगह रहता है. मतलब सोसाइटी अलग अलग काम के हिसाब से लोग रहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क द पीपल डिड एंड दे आर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप. उसी ग्रुप में उनको रहने का राइट्स दिया जाता है. So if your parents were poachers, you
could also become a porter and nothing else. मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का कुछ बनाने का पॉट वगैरह, तो आपका वो भी वही फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे. द सिस्टम वॉज कंसिडर इररिवर्सिबल, मतलब ये जो सिस्टम है चलता ही आता है. बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वेलिटी. इससे क्या होता है, इनइक्वेलिटी क्रिएट होता है. मतलब कि हमारे जो पूर्वज करते आ रहे थे या हमारे घर वाले जो करते आ रहे हैं, हमको भी वही करना, उस सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वेलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स. इसके बारे में आप और पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में. वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ. डाइवर्सिटी का हमारे लाइफ में क्या रोल है, इसमें हम जानते हैं. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. और इसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, मतलब जैसे ये लोग दोस्त बने वैसे आपके भी कुछ कुछ फ्रेंड्स बनते होंगे. यू हैव प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वेयर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल. इसमें यही बताया जा रहा है कि आपके भी कुछ अलग कास्ट के फ्रेंड्स होंगे, उनके उनका मतलब आप मतलब सबके यहाँ जैसे अलग अलग कास्ट में कुछ कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं, तो आप उनके स्पेशल खाना खाए होंगे और उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होंगे और उनके यहाँ के कपड़े पहनने की आपने ट्राई की होगी और वो जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर अलग लैंग्वेज बोलती है तो वो भी आपने सीखने की कोशिश की होगी. मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. आपको आप इंडिया में घूमे होंगे तो अलग अलग जगह कुछ स्पेशल चीज़ें खाई होगी, उसकी आपको लिस्ट बनानी है. मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग के अलावा, हिंदी के अलावा और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी लिखना है. दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ, और उसके एक दो वर्ड्स लिखने हैं आपको. ये आपका होमवर्क है.